मेरे साथी हैं गजराज भारती जी, ये प्रैक्टिकल करके जादू टोने और अंधविश्वास का भेद खोलते हैं। मैं चाहूँगा भारती जी प्रैक्टिकल करके भी दिखाएं। हाँ, क्या नाम है सर आपका? कैलाश। थोड़ा पीछा मुड़िए आप, इधर करके, पीछे नहीं देखना है, ठीक है? देख लीजिए, देख लीजिए। मैंने अभी क्या किया, अभी क्या किया था? दो बार ब्रूस रगड़ा। मैं कहाँ पे रगड़ा? पीछे की तरफ। मैंने मेरी पीठ पे। ठीक है, मैंने उनके ब्रूस रगड़ा क्या? तो हम ये कहते हैं कि अंधविश्वास परवरिश से आता है। बचपन में जो चीज़ देख लेते हैं, जैसे भूत के किस्से सुन लिए, जिंदगी सुन लिए, तो अपन के वो मानव मस्तिष्क पे फिट है। जैसे कैलाश जी ने पहले ब्रश को देख लिया, तो उन्होंने सोचा ब्रश ही फेरा, क्यों इनके मस्तिष्क में बैठ गई ब्रश वाली बात। बल्कि ब्रश तो खुरदरा भी है, आपने देखा है, हाथ फेरा, बल्कि इनके मैंने हाथ फेरा था, सबको मालूम है। ठीक है, अभी हम क्या इस तरह से कोई 800-900 मीटिंग ले चुके, और उसमें करीब करीब 99% बच्चे यही बताते हैं, बच्चे या बड़े, अगर भाई ब्रश ही फेरा, जबकि हाथ फेरते हैं। तो इस तरह से मतलब लोग देख लेते हैं ब्रश को, हो सकता है उसमें कंपन भी जाते होंगे, तो उस हिसाब से बताते हैं बस। तो ये पहला किस्सा नहीं है, चाहे ये हो चाहे कोई दूसरा हो, दूसरे आते तब भी यही जवाब देते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लोग किसी वस्तु को गायब कैसे करते हैं। तो उसके पीछे या तो विज्ञान है या चालाकी है। हाथ की सफाई कहते हैं, लोग बताते नहीं है वैसे, तो ये भूत जिंद वगैरह तो कोई होते ही नहीं है। तो कैसे गायब करते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे फीता दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको यूँ मुड़ा, मुड़ के मैंने क्या किया, अभी जैसे आपके आँखों के सामने ये फीता कहाँ जा रहा है, मुट्ठी में जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, मुट्ठी में जाता हुआ ये जा रहा है, ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, अब फिलहाल कहाँ है, मुट्ठी में दिखाई दे रहा है। मैंने क्या जैसे नीचे ये किया, देखिए ये माला ले ली और कह दी भाई मैंने सिद्धि प्राप्त कर रखी है, इसलिए मैं उस सिद्धि के प्रभाव से गायब कर दूंगा। मैंने इसको यूं घुमाया और वो गायब हो गया। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसका कारण क्या है, रीज़न, मैंने सफाई कैसे की, इस तरह की कोई चीज़ गायब नहीं होती। मैंने ये मेरे हाथ में क्या है, प्लास्टिक का थंब है, अंगूठा है, ये मैंने यूं पहन रखा था। इस हाथों की जो उंगली हो उनकी ओहट लगी हुई थी, और इसका रंग भी हाथ जैसा ही है। मैं आपसे जब कह रहा था कि फीता दिखाई दे रहा था, तो आपका ध्यान कहा, मानव मस्तिष्क इस तरह से काम करता है, इतनी फुर्ती से नहीं करता है, फीते की तरफ ध्यान था। जब मैं पीछे को मोड़ा, मैंने झट से ये यूं खींच लिया, फिर ये इसमें जा रहा था, मुट्ठी में जा रहा था, और ये ओट लगी हुई थी उंगलियों की, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तो किसी के पीछे क्या है, पर्दा होता है, ये चालाकी होती है, इस तरह से होती है, और कोई गायब होने का कोई तरीके नहीं है। यूं किया, फिर मैं पूछ रहा कहाँ जा रहा है, ये पर्दा लगा हुआ था, मैंने इसको नीचे रख दिया, और नीचे रख के ये माला लेके मैं नाटक कर रहा था, बल्कि इससे कोई संबंध नहीं है, वो मैंने नीचे रख दिया। वो क्या है, फीता इसमें आ गया था। ऐसे ही क्या ये डब्बा है, जो कहते हैं लोग कच्चे कलवे से इसमें सामान मंगा देते हैं। जैसे मैंने कह दिया भाई अब कोई फल बताओ जो मैं इसमें मंगा दूँ, कच्चे कलवे के नाम से कहते हैं, कच्चे कलवे वगैरह कुछ होते नहीं है। तो क्या होता है, वो पहले डिब्बे को बता देते हैं आपको, इस तरह से आपको ये खाली दिखाई दे रहा होगा। अब आप किसी फल जो वर्तमान में चल रहे हैं, फलों का नाम बताएं कोई भी, जैसे अब चल रहा है फल, और बताइए फल, और बताइए, और बताइए, इस तरह से बहुत से जो नाम होते हैं, उनमें से हम क्या करते हैं, जैसे कोई नाम चल रहा है, जैसे फिलहाल अमरूद चल रहा है या सेब चल रहा है, तो उसको एक एक करके भाई हम उससे मंगाएंगे कच्चे कलवे से, यूँ करते हैं भाई, वो ठेले से उठा के लाएगा भाई, क्या है हमको सेब लेके आओ चलो, तो क्या है इस तरह से नहीं, सेब लाना है, इस तरह से नाटक करते हैं और सेब आ जाता है। तो भाई नहीं, अब हमको क्या है, मौसमी लानी है, चलो ये मौसमी आ गई। अब भाई हमको केला लाना है, ये केला आ गया। मान लो हमको साहब अमरूद लाने हैं, ये अमरूद आ गया। तो ये सब चालाकी है। चालाकी क्या है इसके पीछे, ये जो आपको डिब्बा है जो खाली दिखाई दे रहा है, इसमें शीशा लगा हुआ है, इसमें विज्ञान है, वो 45 डिग्री पे लगा हुआ है, तो ये तिरछा है। इसमें क्या है, नीचे की इमेज ऊपर दिखाई देती है, जैसे मैंने सेब को यहाँ रखा तो सेब की इमेज ऊपर दिखाई देने लगी। और इसके दूसरे पोर्शन में और सामान को फल वगैरह रख लेते हैं, जो चीकू वगैरह जो भी रखा है, इस तरह से सामान आता है, और कोई कारण नहीं होता इस तरह से। ऐसे ही बाबा लोग हमको जो क्या है डराते धमकाते रहते हैं,
अनुष्ठान करते हैं या कोई तंत्र तांत्रिक विद्या का नाम लेके वेकूफ बनाते रहते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं? जैसे कोई कोई भी किसी के घर में कोई तकलीफ है, जैसे आपका क्या नाम है? गौरव। हाँ गौरव जी, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अभी कुछ नहीं, इस पानी में डालिए, इसको पानी में डाल दीजिए, तो इनकी घर में हाथ रखी ऊपर, इनके घर में जो भी होगा वो सारी समस्या इसमें लिखी हुई आ जाएगी, क्योंकि हमें सिद्धि प्राप्त कर रखी है, इस तरह से कहते हैं। और दुखी कोई ना कोई होता ही रहता है पूरा, तो इस तरह से वो लूटते रहते हैं, तो उनसे हमको बच के रहना है। सिद्धि वगैरह कुछ होती नहीं है, इधर देखिए थोड़ी देर में छोड़िए, क्या लिख के आया इसमें, प्रेत। तो इनके क्या है, प्रेत बाधा है, प्रेत लिखवाया है, प्रेत की वजह से दिक्कत आ रही है इनको, प्रेत प्रेत प्रकोप है ये, तो इसकी वजह से इनकी दिक्कत आ रही है। प्रेत वगैरह वैसे होते नहीं है, भूत जिंद प्रेत। हुआ क्या, मैंने क्या किया, पहले से ही सफ़ेद कागज़ पे साबुन से फियर सोफ वगैरह है इससे लिख लेते हैं, ग्लिसरीन युक्त कोई, वो वैसे भी दिखाई देता नहीं है, लेकिन पानी के संयोग से जब रासायनिक क्रिया होती है वो दिखाई दे जाता है, प्रेत जिंद भी लग सकता था इससे, पितर भी लगता है, वही आ जाता है, उसको फिर लूटते रहते हैं लोग, तो अपन को इसके चक्कर में भी नहीं आना चाहिए। किसी को आशीर्वाद देना है तो उस आशीर्वाद देने के लिए हम क्या करते हैं, भाई आपको ऊपर से अगर आपको किसी देवी देवता खुश है तो उसके लिए हम ऊपर से ही उनसे पानी मंगाएंगे, चरणामृत वगैरह कहते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये खाली है, ये जो बर्तन है खाली दिखाई दे रहा है, अब हम मंत्रों का जाप करेंगे तो उनके सारे काम हो जाएंगे। आचमन मंगाते हैं हम, यूं मंत्र पढ़ते हैं और इस तरह से, भाई ये लीजिए आचमन, अब आज के बाद में सारे काम हो जाएंगे, इस तरह से बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। वो कहते हैं बाबा हमको भी दो दो साथी हैं, तो उनके भी लिए ऐसे ही मंगा देते हैं, यूं करके यूं किया और ये लो, फिर उनसे 1,000, 2,000 रुपये 11,000, 21,000 कैसे भी लूटते रहते हैं, तो इस चक्कर में भी नहीं आना चाहिए। इसमें क्या है, ये डबल परत है इसमें, इस लोटे में, इसमें टोंटी के विपरीत दिशा में छेद है, इसमें मैंने पानी पहले से डाल रखा है, जैसे अपन पानी डालते हैं तो पानी ऊपरी परत से निचली परत में चले जाता है, ये मंत्रों का तो बहाना बनाते हैं, मंत्र मंत्र कुछ नहीं होते, इधर से ये गया पानी निचली परत में गया, अब नहीं निकलेगा वो। अब पानी निकालना है मान लो, तो अपन को यूं करना है, जब पानी निचली परत से ऊपरी परत में आ जाता है बर्तन की में, यूं करके और ये लो, तो चमत्कार अनुभव करते हैं, चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो समझ में आ गया। तो कहते हैं मैंने बहुत साधना कर रखी है, तो मेरी जीभ के आर पार कर देता हूँ मैं, बड़ी साधना से सिद्धियों से मिला है ये, तो वो क्या करते हैं, बहुत से कहते हैं बाबा की जीभ में गड़बड़ होगा, लेकिन जीभ में भी कोई छेद भेद नहीं होता, ये चालाकी होती है केवल। चालाकी क्या है, ये इस तरह का होता है, तो मैंने ये ओट लगा रखी है हाथ की, जो पकड़ रखा है, ये पर्दा हो गया एक तरह से, जो दिखाई नहीं देता है, सीधा लग रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, यूं करके आ ये नाटक कर रहा था, यूं करके जीभ को इस खांचे में फंसा लिया, इस तरह से चालाकी करते रहते हैं। ऐसे ही तलवार है, उसको भी क्या कहते हैं कि इतनी शक्ति है कि इसको मैं पेट में घुसेड़ लूँ पूरी पूरी को, अब क्या ये अंदर जाती नहीं है, वैसे ये क्या इंच टेप है, लेकिन तलवार जैसी लिखती है, ये फोल्ड हो जाती है अंदर ही अंदर मुँह में, इस तरह से ऐसे आपने YouTube पे देखा होगा कुछ चमत्कारी बालक के नाम से, कि बच्चे के क्या है एक बल्ब जल जाता है, कहते हैं वो चमत्कारी बालक है, और वो अकाउंट नंबर दे देते हैं कि और उसमें पैसे डला लेते हैं, चमत्कार वगैरह कुछ होता नहीं है उसको, कुछ कुछ कारण होता है, तो मेरे पास में भी है, जैसे कोई भी आए तो मैं बल्ब जला सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं, जैसे इनके हाथ से कह दिया भाई चमत्कार नहीं है, नहीं जला, और फिर दोबारा भाई हम चमत्कारी कैसे नहीं है, कोई भी और आए, भेद तो खुल नहीं है,
ये चल गया, वो कह दिया इनके चमत्कार है, फिर अकाउंट में पैसे डला लेते हैं। अब मैंने ये किया कैसे, जब वो आए थे तो वो करते क्या है, ये जो एक स्पेशल बल्ब है इसमें रिचार्जेबल बैटरी लगी हुई है, एलईडी है, और इसमें जो क्या है, ये जब आई थी मैडम तो इनके मैंने पानी नहीं लगाया, भाई साहब आए थे पानी लगा दिया, जैसे मैडम के में पानी लगा, एक मिनट, तो अब जल गया भाई, चमत्कारी हो गया। तो पानी इसमें स्विच का काम करता है, विद्युत का सुचालक है, इसलिए खाली स्विच का काम करता है। वो क्या करते हैं, बच्चे को नहला देते हैं, तो नहला के कप शरीर उसको पहुंचते नहीं, गीले शरीर को रहते हैं, फिर अपन वीडियो बना लेते हैं इस तरह से, यूट्यूब पर डाल देते हैं, तो उनके वो जल जाता है, क्यों गीला बदन होता है, तो स्विच का काम कर जाता है, इस तरह का स्पेशल ये है। जैसे मान लो मैंने पानी यहाँ लगा दिया, यहाँ भी जल गया, तो चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कहीं कहीं धोखा है, चालाकी है। तो मैं गजराज भारती हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपन के देश से अंधविश्वास दूर हटे और लोग इस अंधविश्वास में ज़्यादा न पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और खोजी प्रवृत्ति के लोग हों, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा देश आगे बढ़ सकता है और जो जो देशों को बहुत पीछे छोड़ सकता है, अन्य देशों को। हम इसीलिए पीछे पड़े हुए हैं कि हम अंधविश्वास के कारण लोग हमको लूट रहे हैं, हम किसी के भी चक्कर में पड़ जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ किसी के चक्कर में नहीं पड़ें और अंधविश्वास से दूर रहें और उसका कारण ढूंढें कि यह हुआ कैसे है।